किरण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे, ये क्या हो रहा है? हाउस हेल्प ने छुट्टी की हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं ही सफाई कर लेती हूँ। तबीयत ठीक है? मतलब अचानक से ऐसे घर का ख्याल कैसे आ गया? मामा, पहले भी तो मैं ही करती थी ना कभी कभी सफाई। नहीं नहीं, एक सेकंड, लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताएंगे? अच्छा, आप सारी बातें छोड़ेंगे, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे, मैं अपने नाश्ता बना कर लाती हूँ। नाश्ता भी आज आप बनाएंगी? Yes, and you will love it. किचन उस तरफ है बेटे? हाँ, किचन तो उस तरफ है, पर मैं हाथ सैनिटाइज करूंगी। आई लव दैट, आई नो माय मदर लव द क्लीनलीनेस। वो सामान तो उठाया नहीं मैंने। एक मिनट 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 मोहब्बत के चक्कर में पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्यों, तुम्हारे यहाँ नाश्ते में पापड़ खाते हैं क्या? अरे नहीं भाई, मैं तो महापतन कह दिया जो सुबह से मिट्टी से खुलता है, ये जो मासी बनी फिरी हूँ ना मामा को इम्प्रेस करने के चक्कर में। फिक्र मत करो, शादी के बाद सारे काम मैं किया करूँगा, तुम बस बेड पे बैठ के हुक्म देना। हाउ स्वीट, कितना ख्याल है ना तुम्हें मेरा। बस एक बात बताओ, तुम अपनी मामा से कहोगी क्या? बस इतना ही कहूंगी कि मुझे एक लड़का पसंद है, मुझसे शादी करना चाहती हूँ, आप उसे मिल लें। क्या बस? और तुम्हें लगता है इतनी सी बात पे वो कन्विंस हो जाएंगी? कन्विंस करने का काम तुम्हारा है, मैं तुम्हें सिर्फ मिलवा दूंगी। तो मैं एक्चुअली असली गेम खेलनी है, तुम्हें मामा को कन्विंस करना है। यू डोंट हैव टू वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब मामा का नाश्ता मैंने रेडी करना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इससे मिले, ये है किरण जिससे मैं प्यार करता हूँ। अंकल नहीं, डैडी। अरे हाँ हाँ, ये तो तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, इनके सामने कह रहा हूँ, तुम्हारी मामा के सामने डैडी ही कहूँ। इसे बेटा, आपकी अम्मी ने कुछ ज्यादा देर नहीं लगा दी। अंकल बस 5 more minutes, आती होंगी। सारी जिंदगी मेरी बेटी के साथ गुजारनी है और 5 मिनट इंतजार नहीं हो रहा। तो डैडी, ये किरण की मामा है, जानता हूँ, बहुत अच्छी था। आप इन्हें जानती हैं मामा? हाँ, मैं अपने दिल को कैसे भूल सकती हूँ। इनका नाम दिल नहीं, दिलावर है। दिलावर मैं दुनिया के लिए हूँ, अपनी बी का तो दिल। What? बी? बी। क्या हुआ? आप लोग बैठे ना, आप लोग खड़े क्यों? मामा, हाउ डू यू नो दिलावर अंकल? किरण, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे ना साथ, हमारी इतनी गहरी दोस्ती होती थी और फिर हमारी शादी हो गई। अब मेरा मतलब है अलग अलग लोगों से, अब फिर हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया। लेकिन देखो आज किस तरह तकदीर ने हमें फिर से मिला दिया। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ इतने अरसे के बाद देखकर। देखो देखो, हम ऐसे कहते थे ना हमेशा। देखो भी तुम बिल्कुल बदल, वैसे की वैसी। कहाँ, इतनी एज कर गई हूँ मैं, और जैसे चांदी छलक रही है बालों में। आपके बाल तो बिल्कुल ही क्यों अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे तो आप हमेशा ही लगते हैं मुझे। एज इज जस्ट अ नंबर। आई एग्री। अंकल, यहाँ मेरा रिश्ता तय करने आए हैं, आपका नहीं? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, थैंक यू शेरी, थैंक यू। क्या सोचा? किस बारे में? हमारे बच्चों के रिश्ते के बारे में। हाँ, तो हमने क्या सोचना है, इन्होंने तो खुद ही सोच लिया है। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे? हाँ, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लड़की हो, मेरा मतलब सेंसिटिव मामला,
जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए भी, सोच समझ के करना चाहिए, वरना जिंदगी भर पछताते किसी और को याद करते करते। आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर सोचना चाहिए, थोड़ा सा वक्त ले लें, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, आराम से फैसला कर। क्यों शेरी? नहीं हाँ, मतलब हम ये रिश्ता पक्का समझे। अरे जल्दबाजी मत करो बेटा, तूने सुना नहीं वो क्या कह रही है? उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए सारा देखने का, सोचने का, परखने का। मामा ने ऐसा कब कहा अंकल? आपने नहीं सुना, उनकी आंखें सब कह रही मुझे। किरण चाय लेकर आओ ना मेहमानों के लिए। चाय तो डाइनिंग टेबल पे पी जाती है ना अंकल। हाँ तो फिर चले, कहाँ चाय पीने? बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है।